Missing someone. Babe, I just feel alright when you hold me tight. I feel so fine when I'm in your arms. I love you, baby. Hold me tight. Babe, I just feel alright when you hold me tight. Hi guys, happy Makar Sankranti and happy Uttarayan. आज पतंगें उड़ रही हैं, लेकिन मैं इस बार नहीं उड़ाने वाली, शायद क्योंकि पतंग नहीं लाई हूँ, पर मैंने 4 या 5 पतंगें आज लूट ली पता नहीं कैसे. सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉपीराइट ना लग जाए, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा. सो दैट्स दैट. एंड लोग पतंगें उड़ा रहे हैं, मैं भी शायद उड़ाऊँगी मे बी शाम को. एंड मैंने गुब्बारा भी उड़ रहा था तो मैंने मम्मा ने पकड़ा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी मुर्गे. So yeah, मैंने यहीं से पकड़ा था, यहीं से जाना था. एंड today's outfit is really good, black, 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 all black. सिर्फ shoes are white. So I will be showing you guys my outfit. So stay tuned and happy Uttarayan and happy Makar Sankranti to all of you. And अभी मैं थोड़ी बहुत photos and videos क्लिक करूँगी, क्योंकि वही काम है मेरा, कुछ और आज का plan नहीं है. हर साल हमारे रिलेटिव्स आते थे तो हमें बहुत मज़ा आता था उत्तरायण मनाने में, लेकिन इस बार आ ही नहीं है कोई भी, सो अकेले ही मनाएंगे. पतंगों की आवाज़ बहुत आ रही है, पेच तो लड़ रहे हैं ऊपर. इस साल बहुत कम पतंगें दिख रही, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, शायद कोविड की वजह से होगा. एंड हम लोग भी निकला इस साल. So yeah, that's that. Let's click some good pictures. Mamma, idhar aao. Happy Uttarayan, bolo. Happy Uttarayan. Yeah, guys, happy Uttarayan. Hi guys, what is up? So मैं छत पे से आ गई हूँ, मैंने videos and photos दोनों click करी. Sorry for the background नॉइस और म्यूजिक, क्योंकि सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं आसपास में तो आवाज़ तो आएगी ऑब्वियसली. सो मैं ये बोल रही थी कि मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ उतारी हैं, मैंने फ़ोटो एडिट कर दी है क्योंकि मुझे पोस्ट करनी है. जैसे ही मेरा नेट आएगा वैसे ही मैं पोस्ट कर दूँगी. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, हियर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन गो फॉलो मी देयर इफ़ यू गाइस वॉन्ट एंड ओनली. एंड मैंने जो स्लो मोशन बनाया था उसकी एडिटिंग मुझे अभी करनी बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है अभी एडिटिंग और करने का, क्योंकि फ़ोटोज़ करते करते ही मैं थक गई. एंड छत पे गई थी तो मुझे पोज़ देते देते ही थकान लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, हवा बहुत चल रही थी. एंड मेरे बाल भी आज ठीक ठाक लग रहे हैं. सो फोटोज़ अच्छी आई है, मुझे अच्छी लगी फ़ोटोज़ जैसे भी थी. एंड मेरा आज का आउटफिट भी अच्छा है, ब्लैक एंड नीचे भी ब्लैक जीन्स है, सो इट वॉज़ गुड. एंड मुझे ये जीन्स बहुत दिनों से पहननी थी, सो फाइनली मैंने पहन ली, मैंने ऑर्डर करी थी. मैं इसका हॉल भी बनाने वाली हूँ जल्दी से, मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मैं बनाऊँगी, लेकिन इस बार मैं फाइनली बनाने वाली हूँ. सो सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं जब भी हॉल फर्स्ट हॉल वीडियो तो आपको पता चल जाएगा. एंड दैट्स इट. तो आज उत्तरायण का फर्स्ट दिन था एंड कल सेकेंड दिन है. आज मैंने पतंग नहीं उड़ाई, मैं कल उड़ाऊँगी. आज मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक कर ली हैं, इतनी तो नहीं हुई लेकिन जितनी भी हुई है वो अच्छी आई है. सो या एंड सेकेंड दिन पे कल मैंने जो लूटी है पतंग मैं वो उड़ाऊँगी. एंड रुक जाओ, मैं आपको यही रखा है मेरा बलून, मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने लूटा है मैंने मम्मा ने, वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है. सो जो बलून मैंने लूटा था वो इधर ऊपर मैं दिखाती हूँ, ये रहा. मैं बोल रही थी ना पॉक वाला है, मुर्गे वाला वही. सो ये बलून मैंने लूटा था मैंने और मम्मा ने जाकर. सो ये हमने लूटा था एंड थोड़ी बहुत पतंगे भी लूटी थी, तो मैं इसके साथ शायद मैं फ़ोटो क्लिक करूँ अपनी स्टोरी के लिए मस्ती वाली. तो मैं इसके साथ कल करूँगी, आज तो नहीं करने वाली प्रॉबेबली, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है. अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं,
सो शायद से कल ही खींच दूंगी मैं उसके साथ फ़ोटो, एंड पतंग भी कल ही उड़ाने का प्लान है मेरा अभी तक का। तो बाकी देखते क्या होता है, अगर कुछ भी नया हुआ तो मैं व्लॉग करूँगी एंड आप लोग को दिखाऊँगी। टिल देन बाय। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटैच फ्यू ऑफ माई उत्तराखंड पिक्चर्स फॉर यू गाइज जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं या जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते उनके लिए। इस क्लिप के बाद मैं अटैच कर दूँगी जिससे आप देख सकते हो। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू। Would you please be mine, honey? Let me prove to you the apple of my eye, you don't have to. Hi guys, so today is day 2 of Uttarayan and abhi hum patang uda rahe hain finally. So mere hath mein firki hai and mamma patang uda rahi hai. Humne ek patang kaati and phir hamari bhi kat gayi. So we patang uda rahe hain, enjoy karenge and let me show you the view. मम्मा इधर उड़ा रही है पतंग हमारी। किधर गई, बहुत दूर चली गई क्या? यहाँ पे सब लोग उड़ा रहे हैं। ये रही लाल वाली हमारी है, फिर और भी लोग उड़ा रहे हैं। ये रहे हम लोग। मैंने अभी फिरकी पकड़ी हुई है, मैं अभी उड़ा नहीं रही हूँ, मैं अभी उड़ाऊंगी अभी थोड़ी देर में। Hi guys, so हमारी जो दो पतंगें थी वो कट गई है अभी तक। अभी हम थोड़ा टाइम पास करेंगे एंड देखेंगे अगर कोई पतंग आ रही हो तो लूट लेंगे। अभी मेरे पास 3 या 4 पतंगें और पड़ी हैं जो हमने लूटी थी, सो वो वाली पतंग हम थोड़ी देर में उड़ाएंगे। एंड बहुत बेकार म्यूजिक बज रहा है, ये पता नहीं कौन सा गाना है, आई डोंट नो। एंड थोड़ी दूर जाके बात करती हूँ मैं। सो हम अब थोड़ी देर बाद पतंग उड़ाएंगे, तब तक मैंने जैसे आपको बताया टाइम पास करने वाला है। एंड तब तक मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखा देती हूँ। मैं मम्मा को बोलूँगी कैमरा पकड़ ले तो मैं आपको मेरा आउटफिट दिखा देती हूँ। वेट, व्हाट इज अप? सो टुडे इज सेकंड डे ऑफ उत्तरायण एंड आज हम लोगों ने अभी पतंग उड़ाई, जैसे कि आपने देखा होगा इससे अगली वाली क्लिप में। सो आज मैंने पोनी बनाई है, कल मैंने बाल खुले रखे थे लेकिन हवा बहुत तेज है इसलिए मैंने आज पोनी बना दी। एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस येलो स्वेटशर्ट जैसी है फुल स्लीव्स की, उसके नीचे मैंने व्हाइट टी पहनी है एंड देन आई एम वेयरिंग दिस जीन्स। आई लव दिस जीन्स सो मच बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट, ये प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देन आई एम वेयरिंग आई लव दिस शू सो मच। तो ये था मेरा आज का आउटफिट एंड अभी हम थोड़ी देर बाद पतंग उड़ाएंगे, बाकी की थोड़ी देर देखेंगे कौन उड़ा रहा क्या नहीं एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस व्लॉग। और ये रिकॉर्डिंग मम्मा कर रही थी, मम्मा हाय करो। हाय। सो या मैं इस क्लिप में बहुत ज़्यादा इधर उधर देख रही थी, मैं देख रही थी कि कई कोई पतंग जैसी कटे वैसे मैं दौड़ के भाग के उसको एकदम से पकड़ लूँ, क्योंकि मेरे पास पतंग नहीं थी एज यू वाइज ऑलरेडी नो, मैं इस बार पतंग नहीं लाई थी इसकी वजह से। सो दैट्स वाई आई वॉज लुकिंग हियर एंड देयर। एंड इसके बाद वाले क्लिप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब मैं पतंग उड़ाती हूँ वो वाली। I've been wanting to say you were
मेरी पतंग बहुत अच्छी उड़ गई थी, पता नहीं किसने काट दी, पता ही नहीं चला कैसे कट गई। मैंने कैमरे की तरफ देखा और मेरी कट गई। I've been wanting to
Missing someone.